लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से पद्मावत को हरी झंडी मिलने के बाद संजय लीला भंसाली और उनकी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय के लिए नहीं थी। हाल ही में आईएससी के फैसले पर करणी सेना का गुस्सा फिर से सातवें आसमान पर है। एक न्यूज चैनल से हुई बातचीत में इन्होंने भंसाली और फिल्म की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को धमकी दी है कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो वो इन्हें जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। यूपी के एक प्रोटेस्टर ठाकुर अभिषेक सोम ने ये धमकी देते हुए कहा है, हम हमेशा रानी पद्मावती पर फिल्म बनाए जाने के खिलाफ रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए भगवान के समान हैं। हम उनकी पूजा करते हैं और हमारी अगली पीढ़ी भी उनकी पूजा करेगी। हम अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं खेलते। कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें भी हमारी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तकरीबन दो महीने पहले भी करणी सेना ने धमकी दी थी। इन्होंने कहा था कि अगर पद्मावती रिलीज की गई तो दीपिका पादुकोण की नाक काट ली जाएगी। करणी सेना के महिपाल मकराना ने मीडिया से कहा था, राजपूत कभी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम दीपिका का वही हाल करेंगे जो लक्ष्मण ने सूर्पणखा का किया था। वहीं पहले एक बीजेपी नेता भंसाली दीपिका का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा भी कर चुके हैं। बता दें कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने पद्मावत पर बैन लगा दिया था, लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को असंवैधानिक करार दे दिया है। ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है।